नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गीता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। सुबह से लेकर शाम तक की मॉर्निंग रूटीन, साड़ी में कैसे मतलब काम करते हैं, किस तरीके से रहते हैं साड़ी सारा दिन पहन के, तो मैंने सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। तो इधर बच्चे बैठे थे, उनके साथ बैठ के थोड़ा बात बूत कर रही थी और वो मैंने चलो थोड़ा सा शूट कर लिया है, आप लोगों को दिखा दिया है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। और मैं बैठ के पहुंच गई थी किचन में, किचन को जो ना क्लीन करना है, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है। तो इधर मैं इंडक्शन वगैरह सब साफ़ कर रही थी और इधर से ना उधर से खिड़की है तो इधर से कैमरा रखो तो साफ नहीं आता है, पर आगे साफ आ जाएगा। मैंने दिया है पूरा, मतलब जो होता है पूरा दिया है। तो चलिए आप लोग देखिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए। Thank you.
आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इधर मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं, पूरा मतलब किचन जो है ना क्लीन हो चुका है, सारे बर्तन धुल दिए हैं मैंने, पूरा काम ख़त्म कर लिया है। तो आप लोग ना वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और इतना सहयोग और सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच आप लोगों का। और इसी तरीके से आप सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिए हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों। तो इधर मैं बर्तन धो के हाथ वॉश कर रही थी, क्योंकि चिकना हो जाता है ना बर्तन धोने के बाद, तो हाथ वॉश कर लेने चाहिए वॉश बेसिन में। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, सभी को।